आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रांची में रैली के माध्यम से राहुल गांधी एक तीर से साधेंगे कई निशाने। परिवर्तन उलगुलाल महारैली में होगा विपक्ष के नेताओं का महाजुटान। तय होगा महागठबंधन का स्वरूप, होगी कांग्रेस नेताओं की अग्नि परीक्षा। रिम्स में लालू यादव से भी मिल सकते हैं राहुल गांधी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रांची दौरे के बारे में। लंबे समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 मार्च को रांची आ रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में वह परिवर्तन उलगुलाल महारैली को संबोधित करेंगे। रैली के माध्यम से राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने साधेंगे। पहली बार एक मंच पर महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं का महाजुटान होगा। संभावना है कि झारखंड में महागठबंधन का स्वरूप भी तय होगा। सच कहा जाए तो यह रैली कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा भी होगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं की जमीनी पकड़ का मूल्यांकन भी इस रैली में होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी इस रैली के माध्यम से तैयार होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिस महागठबंधन को लेकर अब तक कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, राजनीतिक गलियारे में पिछले 2 महीने से जिस तरह से महागठबंधन को लेकर बातें चल रही हैं, उस पर विराम लगने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रिम्स में इलाजरत राजद प्रमुख लालू यादव से मिल सकते हैं। क्या राहुल गांधी का रांची दौरा झारखंड कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा? क्या राहुल गांधी के आने से झारखंड में महागठबंधन की किचकिच समाप्त होगी? इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। लगभग 4 वर्षों से ज्यादा समय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का झारखंड दौरा 2 मार्च को होने वाला है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई राहुल के आगमन को लेकर उत्साहित है और जी जान से तैयारी में जुटी हुई है। झारखंड में कांग्रेस की कितनी बैठ है या राहुल की रैली में भीड़ के सहारे दिखाने का प्रयास होगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ परिवर्तन उलगुलाल महारैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी भी मंच पर दिख सकती हैं। इन तीनों पार्टियों के अलावा सभी विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं को कांग्रेस मंच पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करने जा रही है। कार्यक्रम की रूपरेखा तय होने के बाद इसका स्वरूप 1-2 दिनों में तय हो जाएगा। इस रैली में महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस नेताओं के आपसी तालमेल का भी लिटमस टेस्ट होगा। अभी कांग्रेस में एक दूसरे को नहीं सुहा रहे नेता जब राहुल गांधी के कार्यक्रम के बहाने एक मंच पर आएंगे तो प्रदेश कांग्रेस के लिए यह संजीवनी का काम करेगा। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि कांग्रेस आलाकमान ने पिछले 4 वर्षों से झारखंड को बट्टे खाते में डाल दिया था। सच कहें तो पार्टी आलाकमान भूल गया था कि झारखंड भी कोई जगह है। एक भी बड़े नेता का कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। हाँ, यह भी सच है कि जब से आरपीएन सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है वह लगातार समय दे रहे हैं। उमर सिंघार भी उनका साथ दे रहे हैं और इन लोगों की सक्रियता के सूत्रधार बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। झारखंड में जब मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन की सरकार थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवाजाही झारखंड में लगातार जारी थी। जयराम रमेश, अजय माकन हो या बीके हरिप्रसाद, सभी झारखंड में समय देते थे। लेकिन जब से झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इसमें से किसी ने भी झारखंड की अहमियत को नहीं समझा। एक बार फिर चुनाव का समय आ गया है। राहुल गांधी ने झारखंड में आने का समय दिया है। बहरहाल इस बीच रैली में भीड़ जुटाने को लेकर पार्टी की सभी इकाइयों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा जिलों से भीड़ जुटाने के लिए वरीय नेताओं और प्रभारियों को टारगेट दिया गया है। तैयारियों की निगरानी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह स्वयं कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार विभिन्न इकाइयों से लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में इतने लोग पहुंचेंगे कि मोरहाबादी मैदान छोटा पड़ जाएगा। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आ रहे राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर चला। जिला कांग्रेस के अध्यक्षों, जोनल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश मीडिया विभाग, अग्रणी मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, विभाग एवं प्रकोष्ठ के चेयरमैन की बैठक बुलाई गई थी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार, विधायक मैनुल हक, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में राज्य के सभी स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। राजधानी रांची के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में व्यापक माहौल बनाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने सभी जिला अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठों को रैली में अपने अपने बैनर के साथ सभा स्थल तक पहुंचने का निर्देश दिया है और साथ ही जिलों में व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव के मुताबिक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को तमाम समितियों की उपस्थिति रैली में सुनिश्चित करने को कहा गया है। जोनल कोऑर्डिनेटर रमा खलखो, अशोक चौधरी, केशव महतो कमलेश, सुल्तान अहमद, भीम कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर, राजीव रंजन प्रसाद, आलोक कुमार दुबे, शमशेर आलम, रणविजय सिंह, राजेश गुप्ता छोटू समेत अन्य लगातार राहुल की तैयारी को लेकर काम कर रहे हैं। प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की सफलता को लेकर प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचने का लक्ष्य पदाधिकारियों को दिया है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में विपक्ष के सभी बड़े नेता मंच साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन झारखंड और देश से भाजपा के सफाए के लिए बन रहा है। कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोग राहुल गांधी को सुनने आएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस इस बार नया इतिहास लिखेगी। राहुल गांधी का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में होना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का दौरा यह तय कर देगा कि झारखंड में महागठबंधन का परफॉर्मेंस क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस में व्याप्त दलदल को एक साथ बैठकर पार्टी हित में काम करने का संकल्प दिला सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनका अपना प्रभाव क्षेत्र की राजनीति में है। सुबोध कांत सहाय, सुखदेव भगत, राजेंद्र सिंह, आलमगीर आलम, अजय कुमार, अरुण उराव, प्रदीप कुमार बालमुचू, के एन त्रिपाठी सहित अन्य नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान झारखंड में बड़े नेता के रूप में है। कार्यकर्ता बेहिचक उनके दरवाजे पर आ जा सकते हैं। झारखंड में इन नेताओं की आज भी चलती है। कांग्रेस के झारखंड में द्वितीय पंक्ति के नेता भी कम दमदार नहीं है और उनका नाम है शशि भूषण राय, अजय नाथ शाहदेव, आलोक दुबे, विनय सिन्हा दीपू, शमशेर आलम, अजय राय, राजेश गुप्ता छोटू, राजीव रंजन प्रसाद, राजेश ठाकुर, राकेश सिन्हा, जय शंकर पाठक सहित अन्य ऐसे नेता हैं जिनका कार्यकर्ताओं में चलता है। युवा नेताओं में देखा जाए तो गौरव कुमार, अनुप सिंह, संतोष सिंह, संजय पांडे, कुमार राजा सहित कई अन्य हैं जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की रैली में प्रदेश कांग्रेस अपना वर्चस्व स्थापित कर पाती है या नहीं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।